हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम फिर आप लोगों के सामने इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं। टॉपिक हर डिफेक्ट के लिए आप इसको यूज में ला सकते हैं। ये बेस बनाएंगे उसको, इसके बेस पे आप स्टडी कर सकते हैं। मेरा जो टॉपिक है आज का वो है RCA, रूट कॉज एनालिसिस क्या होता है और ये किसके किसके लिए अप्लीकेबल है, हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इसका अंत नहीं है। आप पर्सनल लाइफ में भी इसे यूज कर सकते हैं और जो इंडस्ट्रियल लाइफ है उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। हम जो सिंपल सा टॉपिक लेंगे, एक सिंपल सा टारगेट लेंगे जिसके बेस पर हम उस डिफेक्ट की स्टडी करेंगे। किसी भी डिफेक्ट का रूट कॉज एनालिसिस करने से पहले एक CFT टीम बनाते हैं, मतलब क्रॉस फंक्शनल टीम, जो इस पे वर्क करती है। टीम में जो मेंबर्स होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो मोल्डिंग का ले लो, चाहे वो टूलिंग का ले लो, चाहे वो असेंबली का ले लो, कोई भी मेंटेनेंस का ले लो। मीन्स वो टीम में एक्सपर्ट जो लोग होते हैं उस पे स्टडी करते हैं, वाई एनालिसिस करते हैं। वाई एनालिसिस मतलब कि ये क्यों आया, मतलब कि इसका जो जड़ है, रूट कॉज क्या है, ये आने की इसकी जड़ क्या है, जड़ तक जाकर उसका समाधान करते हैं, उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से रिमूव करते हैं। यदि रूट कॉज एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें टाइमिंग की जरूरत नहीं होती कि कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कितने इक्विपमेंट्स लगेंगे, उसको माने में नहीं रखते हैं। आप रूट कॉज पे जाएंगे तो आपको टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, इन्वेस्टमेंट भी होगा उसका कि कितना लगाएं उसमें, वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। जब तक आप उस प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं जाते तब तक आप उस पे अध्ययन करते हैं। कई वाई कर सकते हैं उसमें, आप वाई एनालिसिस करने से पहले आपको पूरी तरह से स्टडी करनी होगी कि किस कारण ये प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। जितने भी आपके माइंड में थॉट्स आते हैं, जितने भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आने की संभावना है, उसको आप नोट डाउन करते हैं। फाइनली कुछ ऐसे पॉइंट्स उसमें होते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही होती है, बस उस पे काम करना होता है। पहले आप सारी समस्याओं को नोट डाउन करेंगे जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। तो हम बात करेंगे आज वाई एनालिसिस और RCA ऑफ शॉर्ट मोल्डिंग। शॉर्ट मोल्डिंग का जो है RCA करेंगे, शॉर्ट मोल्डिंग किस प्रकार से आ रही है उस पे अध्ययन करेंगे, एक सिंपली मेथड बताऊंगा मैं, आप उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है और शॉर्ट मोल्डिंग को जड़ से समाप्त करने की आपको प्लानिंग करनी होगी, एक प्रोसेस बनाना होगा, उस पे आपको काम करना होगा। रनिंग मशीन में जो शॉर्ट मोल्डिंग आता है उसको कैसे रिजॉल्व करें और परमानेंट सोल्यूशन क्या है, हम उस पे बात करेंगे आज। जो मेरे लिए नए हैं, मेरे चैनल के लिए नए हैं, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट मोल्डिंग रनिंग मशीन में जो आता है उसको पूरी तरह से समाप्त कैसे कर सकते हैं, उसके आने के रीजन क्या क्या हो सकते हैं, जिस पे हमें काम करना है, जिसको हमें चेक पॉइंट बनाना है, उसके बेस पे, उसके स्टडी बेस पे हमें आगे प्रोसेस करना होगा। जाते ही प्रोसेस को छेड़ना नहीं है, सारे चेक पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आपको चेक करना है, उसके बाद ही प्रोसेस पे
जाना है। यदि आपने प्रोसेस सेट कर दिया और फिर भी रनिंग मशीन में शॉर्ट मोल्डिंग उत्पन्न हो रहा है तो उसको जड़ से समाप्त करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, रनिंग मशीन में शॉर्ट मोल्डिंग क्यों आता है, उसका रूट कॉज क्या है, आरसीए क्या है, उस पे बात करते हैं। जाहिर सी बात आपको पता होगा, इनकम्प्लीट कंपोनेंट, इनकम्प्लीट प्रोडक्ट इज कॉल्ड शॉर्ट मोल्डिंग। जो पूरी तरह से पार्ट भरा हुआ नहीं होता या कहीं ना कहीं से कमी होती है पार्ट को पूरा करने की, तो वो होता है शॉर्ट मोल्डिंग। शॉर्ट मोल्डिंग लास्ट फिलिंग एरिया पे आता है या फिर कहीं भी रिब्स होती हैं, रिब्स पे होगा या लॉक पे होगा या फिर जहां पर वेंटिंग प्रॉपर नहीं होगी, एयर इंटरप्ट हो रही होगी, उस एरिए पे शॉर्ट मोल्डिंग आने के चांस रहते हैं। ये कहां कहां आता है और कैसे आता है, मशीन रनिंग में इसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं बताते हैं, एक एक चेक पॉइंट बताएंगे। सबसे पहले आपको पूरी लिस्ट बनानी है जिसे हमें चेक करना होगा यदि रनिंग मशीन में शॉर्ट मोल्डिंग आ रहा है तो। दोस्तों मैं सबसे पहला पॉइंट जो लिया हूँ वो लिया स्टडी ऑन नोजल एंड बैरल। इस पे हम पहला स्टडी करेंगे कि जहाँ से मटेरियल इन हो रहा है उसमें कहीं दिक्कत तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मटेरियल इंजेक्ट होने में प्रॉब्लम होने लगी है, रनिंग मशीन में शॉर्ट मोल्डिंग क्यों आ रहा है, पहला पॉइंट ये लेते हैं। उस पॉइंट में क्या क्या हो सकता है वो चेक पॉइंट नोट डाउन करने से पहले आपको पहला पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ वो ये है, नोजल लीकेज आपको चेक करनी है। सबसे पहला पॉइंट, नोजल कहीं लीकेज तो नहीं हो रही जिसकी वजह से मटेरियल इंजेक्ट होने में दिक्कत हो रही है, जितना मटेरियल हमने दे रखा है वो कहीं ज्यादा बाहर ही रह जा रहा है, इंजेक्शन होने से पहले बाहर नोजल के बाहर रह जाने की वजह से शॉर्ट मोल्डिंग तो नहीं आ रहा है। पहला पॉइंट आपको नोजल लीकेज का चेक करना है। दूसरा पॉइंट आपको चेक करना है, नोजल ब्लॉकेज तो नहीं है, नोजल कहीं चौकअप तो नहीं हो गई, किसी मेटल की वजह से या किसी हार्ड मटेरियल की वजह से नोजल कहीं ब्लॉकेज तो नहीं हो गई जो इंजेक्ट होने में मटेरियल को रोक रही है, प्रॉपर इंजेक्शन नहीं हो रहा है तो शॉर्ट मोल्डिंग आ रही है। इसको आप बैरल को पीछे लेके ओपन पंच करके पीछे कर सकते हैं या नोजल को खोल के, नोजल जो टिप रहती है उसे खोल के चेक करें कि इसका डाया कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। तीसरा पॉइंट जो हमने लिया है, नोजल एंड बैरल टेम्परेचर। कई बार ऐसा होता है कहीं जो नोजल या बैरल हीटर जो रहते हैं वो कहीं माल फंक्शनिंग करने लगते हैं, जो प्रॉपर हीटिंग नहीं दे पाते हैं, उसको आप थर्मल कैमरे से या थर्मल गन से आप चेक कर सकते हैं उसका टेम्परेचर, मैंने जो दिया है सेट किया है वो एक्चुअल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिससे कि इंजेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, पार्ट फिलिंग में प्रॉब्लम होने लगी है तो वो चेक करेंगे, नोजल का जो टेम्परेचर है वो और बैरल का टेम्परेचर एक्चुअल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चौथा पॉइंट लिया है, जोन टेम्परेचर एंड हॉपर फीड होल, यानी कि थ्रोट जोन का जो टेम्परेचर रहता है ना वो ज्यादा बढ़ जाएगा तो वहां मेल्ट हो गया मटेरियल, तो जो मटेरियल होल के अंदर, हॉपर से होल के अंदर फीड जोन में जा रहा है मटेरियल, फीड जोन का मटेरियल वहां मेल्ट होके अंदर जाने को रोक रहा है, जिसकी वजह से मटेरियल प्रॉपर फीड नहीं हो रहा है, चार्जिंग टाइम ज्यादा ले रहा है और वो मटेरियल अंदर प्रॉपर प्लास्टिसाइजिंग नहीं हो पा रहा है तो शॉर्ट मोल्डिंग आने के चांस रहते हैं। थ्रोट जोन का टेम्परेचर चेक करेंगे, कहीं कूलिंग तो बंद नहीं है वो चेक करेंगे, या फिर मटेरियल जो हम डाल रहे हैं किसी कारणवश वहां पर ज्यादा जुड़ तो नहीं गया है जिससे मटेरियल अंदर जाने में दिक्कत हो रही होगी, ये चेक पॉइंट आपको पहले चेक करने हैं। मशीन से मोल्ड तक इंजेक्शन को हमने चेक कर लिया, बैरल के जो चेक पॉइंट थे, बैरल में क्या क्या चेक करना था वो चेक कर लिया। नेक्स्ट हम चेक करेंगे
स्टडी ऑन मोल्ड गेट। मोल्ड गेट जो रहता है उसमें क्या क्या हो सकता है, जो कि शॉर्ट मोल्डिंग आने के चांस रहते हैं, मटेरियल प्रॉपर फ्लो नहीं होता, इंजेक्ट नहीं होता, रनिंग मशीन में ये हो सकती हैं प्रॉब्लम्स, तो उसको कैसे चेक करेंगे। चेक मोल्ड गेट, पहला पॉइंट आपको चेक करना है मोल्ड का जो गेट रहता है, गेट कहीं चौकअप तो नहीं है, ब्लॉक तो नहीं हो गया, या फिर उसमें फ्लो कम तो नहीं हो रहा है किसी रीजन वर्ष, उसका गेट है वो ब्लॉक हो गया है, तो हम उसको चेक करेंगे, उसको क्लीन कराएंगे। यदि मल्टी कैविटीज मोल्ड है तो ये अमूमन देखा जाता है कि उसके गेट ब्लॉक होते हैं ज्यादा से ज्यादा, रनर जो है वो रनर टूट जाता है अंदर, उसकी वजह से ब्लॉक होता है, या फिर किसी मेटल की वजह से ब्लॉक होता है, या फिर होता है कि हार्ड मटेरियल उसके गेट पॉइंट पे अटक जाता है तो वो चौकअप हो जाता है। मोल्ड गेट चेक करेंगे, मोल्ड गेट अगर प्रॉपर है तो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे आप। यदि वाल गेट सिस्टम है मोल्ड के अंदर तो आपको चेक करना है कि वाल गेट सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पिस्टन पिन जो रहती है उसके अंदर वो प्रॉपर स्मूथली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, यानी कि वो आगे पीछे हो रही है कि नहीं हो रही है, ये चेक करना है आपको। और जो उसमें पावर पैक यूज करते हैं, वाल गेट सिस्टम हाइड्रोलिक है तो उसमें आपको चेक करना है पावर पैक का प्रेशर प्रॉपर है कि नहीं है, जो पिन को सही से ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो हमने पहले सेट किया था उससे कम तो नहीं हो गया है, कहीं और लीकेज होने की वजह से जो प्रेशर जनरेट होना है वो नहीं हो पा रहा है क्या, जिसकी वजह से जो पिस्टन पिन रहती है वाल गेट की वो प्रॉपर ऑपरेट ना हो रही हो तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। यदि न्यूमेटिक वाल सिस्टम है तो आपको इसी तरह एयर चेक करनी है, एयर का प्रेशर कहीं लो तो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से पिस्टन पिन प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर रही है, या फिर इंजेक्शन के साथ आप जो ऑपरेट कराते हो कहीं वो लूज तो नहीं है वायर जो माल फंक्शनिंग कर रही है इंजेक्शन होने से पहले, ऐसा केस कई बार हुआ है जो ये प्रॉब्लम आती है। ये सारे आपको उसके चेक पॉइंट चेक करने हैं। वाल गेट में यदि अलग से एनजीओ बॉक्स लगा है उसको चेक करना है प्रॉपर वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इनबिल्ट मशीन में होगा तो मशीन का चेक करना है प्रॉपर ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो हमने सेटिंग डाली है वो एक्चुअल ले रही है कि नहीं ले रही है। नेक्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं चेक HRTC टेम्परेचर। HRTC का यदि मोल्ड है तो आपको HRTC चेक करनी है, यानी कि हॉट रनर सिस्टम है अगर मोल्ड के अंदर तो आपको हॉट रनर जो सिस्टम रहता है उसको कंट्रोल करने के लिए HRTC जो लगी रहती है उसके टेम्परेचर को चेक करना है। टेम्परेचर हमने जो दिया है वो एक्चुअल उस जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा, जिससे गेट खुलने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, उसका टेम्परेचर आपको वेरीफाई करना है कहीं रनिंग मशीन में डाउन तो नहीं हो गया टेम्परेचर, वो चेक करेंगे। ये स्टडी हो जाएगी आपकी मोल्ड के गेट पर। नेक्स्ट पॉइंट जो लिया है वो लिया है स्टडी ऑन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल पे आप क्या स्टडी कर सकते हैं रनिंग मशीन में यदि शॉर्ट मोल्डिंग आ रहा है तो, रॉ मटेरियल का ग्रेड चेंज तो नहीं हो गया, पहला पॉइंट आपको चेक करना है कि रॉ मटेरियल जो हम चला रहे थे ABS के कई ग्रेड होते हैं, PP के कई ग्रेड्स होते हैं, मतलब कि हर मटेरियल के अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, इसके अकॉर्डिंग उसका MFI कम ज्यादा होता है, विस्कोसिटी कम ज्यादा होती है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है कि मटेरियल फिलिंग में इशू आ रहा है, मटेरियल इंजेक्शन में इशू आ रहा है, तो आपको चेक करना है जो मैंने रॉ मटेरियल इस मोल्ड के लिए लगाना था जो मटेरियल है एक्चुअल में वो यूज में लगा रहे हैं या ग्रेड चेंज हो गया है, ये पॉइंट चेक करेंगे। रॉ मटेरियल मिक्सअप की प्रॉब्लम, रॉ मटेरियल मिक्सअप को आपको चेक करना है कि यदि दो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं एक ही कंपोनेंट के लिए तो वो क्वांटिटी जो हम उसका रेशियो बना के लगाए हुए हैं वो कम ज्यादा तो नहीं हो गया है,
जिस रेशियो पे मैंने प्रोसेस पहले सेट किया था उस रेशियो में ही तो मटेरियल मिला हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो उसके फ्लो में इशू आएगा, इंजेक्शन में इशू आएगा, चार्जिंग में इशू आएगा, तो क्या होगा, मटेरियल इंजेक्ट नहीं होगा प्रॉपर, तो रनिंग मशीन में शॉर्ट मोल्डिंग आने के चांस रहते हैं। अब थोड़ा स्टडी करते हैं मोल्ड पर। मोल्ड की स्टडी में क्या आएगा, मोल्ड की एयर वेंट ब्लॉकेज तो नहीं है कहीं, यदि एयर वेंट ब्लॉक होगी या फिर कहीं जहां से एयर रिलीज होनी है वहां पर किसी कारणवश ऑयल ग्रीसिंग लग जाता है तो वो शॉर्ट मोल्डिंग आता है, उसको प्रॉपर चेक करना है, क्लीन करके देखना है उस एरिया पे जहां पर शॉर्ट मोल्डिंग आ रहा है, तो ये ब्लॉकेज को आपको क्लीन करना होगा, जिससे कि वो क्लीन करने से एयर रिलीज हो जाएगी और प्रॉपर इंजेक्शन होगा। फिर आपको चेक करना है मोल्ड की रिम या फिर पिन या इजेक्टर ब्रोकन तो नहीं हो गया है, जिसके कारण बस शॉर्ट मोल्डिंग आ रहा है, वो चीजें चेक करेंगे। ये तो एक क्लियर केस होता है जहां ऐसी कंडीशन आपको मिलती है, इस पॉइंट को भी आपको चेक करना है, अंदर मोल्ड के पूरा देखना है कहीं टूट फूट तो नहीं हो गई जिसकी वजह से शॉर्ट मोल्डिंग आने लगा और हमें पता ही नहीं चल पा रहा और शॉर्ट मोल्डिंग समझ रहे हैं शॉर्ट मोल्डिंग और कुछ वो और ही समस्या हो, ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। जितने पॉइंट आप ज्यादा नोट करेंगे समस्या को इजी कर पाएंगे आप, उतने अच्छे से आप समझ पाएंगे। जो मेन पॉइंट्स मैं ले रहा हूं वो है स्टडी ऑन मशीन एंड प्रोसेस। प्रोसेस और मशीन में जो स्टडी करनी है ये मेन पॉइंट हैं। उसमें से सबसे पहले आपको इंजेक्शन प्रेशर और बैक प्रेशर चेक करना है, मशीन में एक्चुअल ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कहीं कम तो नहीं ले रहा जो हमने प्रोसेस सेट करा है, इंजेक्शन प्रेशर वो कम तो नहीं लेने लगा किसी कारणवश, तो वो आप चेक करवाएंगे मेंटेनेंस से या मेंटेनेंस के प्रोसेस से इसको हम चेक करेंगे। दूसरा पॉइंट है कुशन वेरिएशन। पहले सेट किया था 5 mm कुशन, वो चलते चलते 1.5 हो गया या फिर 0 हो गया, 0 कुशन हो गया, इसकी वजह से शॉर्ट मोल्डिंग रनिंग मशीन में आने लगा, वो चेक करना है कुशन वेरिएशन तो नहीं हो रहा है। तीसरा पॉइंट जो मैं ले रहा हूँ फिल टाइम वेरिएशन। फिल टाइम में वेरिएशन तो नहीं होने लगा कहीं, किसी कारणवश फिल टाइम में यदि वेरिएशन हो रहा है तो हम बात करेंगे मशीन के ऊपर कि मशीन में प्रॉब्लम की वजह से फिल टाइम में वेरिएशन हो रहा है, या फिर आप बात करेंगे इंजेक्शन प्रेशर कम तो नहीं पड़ रहा है जिसकी वजह से फिल टाइम में वेरिएशन होने लगा, चार्जिंग टाइम वेरिएशन तो नहीं हो रहा, मटेरियल फिलिंग में प्रॉब्लम हो रही हो कहीं जिसकी वजह से चार्जिंग टाइम कम ज्यादा हो रहा है, जिससे कि कभी प्रॉपर प्लास्टिसाइजिंग हो जा रहा है और कभी नहीं हो पा रहा है, जिससे कि रनिंग मशीन में शॉर्ट मोल्डिंग आने के चांस ज्यादा रहते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स मोल्ड टेम्परेचर की वजह से भी आ सकती हैं। यदि मोल्ड टेम्परेचर कहीं ज्यादा कहीं कम होगा तो फिलिंग में इश्यू आएगा, कहीं कम मटेरियल फिल होगा कहीं ज्यादा फिल होगा, जिसकी वजह से शॉर्ट मोल्डिंग आने के चांस रहते हैं। पूरी टीम ने डिसाइड किया कि वाई एनालिसिस जो करना है हमें पहले कुशन वेरिएशन पे करना है, कुशन वेरिएशन क्यों आ रहा है, तो पहला पॉइंट जो लिया वाई का लीकेज तो नहीं है, नोजल लीकेज हो जाएगी तो कुशन में वेरिएशन आएगा, वो चेक किया नोजल लीकेज नहीं थी। दूसरा पॉइंट चेक किया थ्रोट जोन, फीड जोन में जा रहा मटेरियल ब्लॉक तो नहीं हो गया, वो चेक करने के बाद पता चला कि वो भी ब्लॉक नहीं है, और फिर बैरल का टेम्परेचर चेक किया, बैरल का टेम्परेचर की वजह से तो नहीं कहीं आ रहा प्रॉब्लम की कुशन में वेरिएशन आ रहा हो, वैसा भी नहीं मिला हमें। फिर फाइनली हम पहुंचे रिंग प्लंजर पर, कहीं डैमेज तो नहीं। टेनिस की टीम ने रिंग प्लंजर खोलने से पहले बैरल में उन्होंने बैक फ्लो चेक किया, बैक फ्लो मिला, उसके बाद उन्होंने रिंग प्लंजर जब खोला तो रिंग प्लंजर डैमेज मिला। रिंग प्लंजर डैमेज होने की वजह से कुशन में वेरिएशन आ रहा था, वेरिएशन की वजह से रनिंग मशीन में शॉर्ट मोल्डिंग आ रहा था, तो इसका RCA निकला रिंग प्लंजर डैमेज होने की वजह से
पार्ट में रनिंग मशीन में शॉर्ट मोल्डिंग आ रहा था। जैसे ही रिंग प्लंजर रिप्लेस हुआ, चेंज किया, तो कुशन में वेरिएशन नहीं मिला। कुशन में वेरिएशन नहीं मिला तो शॉर्ट मोल्डिंग की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो गई। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।